Hello friends, I'm Punish Sisodia and you are watching Dr. Punish Sisodia YouTube channel. Friends, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम सर्दी में विंटर सीजन में नर्सरी तैयार करते हैं किसी भी फसल का किसी भी क्रॉप का तो क्या होता है टेम्परेचर डाउन होने की वजह से जो नर्सरी होता है उसमें इम्प्रूवमेंट बहुत स्लो होता है धीरे से होता है और टेम्परेचर डाउन होता है इसलिए सर्दी होती है इसलिए वो इम्प्रूवमेंट नहीं आता है और जो नर्सरी हमारा 25 to 30 डेज में रेडी होना चाहिए ट्रांसप्लांटिंग के लिए वही लगभग 40 to 45 डेज लेता है और जर्मिनेशन भी बहुत लेट आता है लो जर्मिनेशन आता है क्योंकि हीट नहीं होता है हीट कम होता है तो हम इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कैसे लो टर्नल बना के और नर्सरी में जो इम्प्रूवमेंट है उसको फास्ट ला सकते हैं उसमें अंदर हीट लो टर्नल में उसमें नर्सरी रख के हीट जनरेट कर सकते हैं और जो हमारा टाइम पीरियड 40 to 45 डेज तक जाता है उसको हम कम करके 30 डेज में हम रेडी कर सकते हैं अपनी सीडलिंग्स को अपनी नर्सरी को ट्रांसप्लांटिंग के लिए और उसमें जो एक्सपेंस है वो भी बहुत मिनिमम एक्सपेंस पे हम वो कर सकते हैं और जो भी हमारा मटेरियल यूज होता है उसको हम नेक्स्ट ईयर और उसके बाद भी हम लगभग 4 to 5 ईयर तक यदि हम रखाव अच्छे से रखते हैं तो हम उसको लगातार यूज कर सकते हैं और हमको केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है और यदि पहाड़ी एरियाज हैं वहाँ पे जैसे टेम्परेचर डाउन होता है तो हम किस तरीके से नर्सरी को या पाले से सर्दी में पाले से बचा सकते हैं तो इस वीडियो में हम उसकी जानकारी लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इस वीडियो में लो टर्नल बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसमें है सबसे पहले ये पोलोथीन आती है वाइट कलर की ये किलो में आती है ये कहीं भी आपसे आसानी से मिल जाएगी और ये वाइट कलर की होती है ट्रांसपेरेंट। दूसरा हमको जो चाहिए जी वायर थोड़ा मोटा होता है ये किसी भी हार्डवेयर की शॉप से आपको मिल जाएगा और इसकी जो हमने लेंथ रखी है वो लगभग 6 फीट ये जो जी वायर है 6 फीट लेंथ का है एक इस तरीके से हम कट कर लेते हैं 6 फीट का एक और उसके बाद हमको थ्रेड चाहिए ये थ्रेड और इस तरीके हमको खूंटे चाहिए जितना हमको लो टर्नल बनाना है उसी हिसाब से एक बेड का बनाने के लिए हमको लगभग दो खूंटे चाहिए होते हैं तो और एक सीजर हमको जो चाहिए एक सीजर इसके साथ कैंची की ज़रूरत होती है पोलोथीन को कट करने के लिए। उसके बाद हम ऐसा बेड बना लेते हैं फावले की सहायता से देख सकते हैं जितना लेंथ का हमको लो टर्नल बनाना है जितना लंबा बनाएं उस हिसाब से हम ये बेड बना लेते हैं और इसकी हमने जो विड्थ रखी चौड़ाई रखी है लगभग इसकी जो चौड़ाई है 2 फीट के आसपास इसकी हमने चौड़ाई रखी 2 फीट हमने इसलिए रखी है फ्रेंड्स क्योंकि हम दो ट्रे ये आराम से इसमें दो ट्रे ऐसे रख सकते हैं इसके अंदर तो इसलिए हमने इसकी जो चौड़ाई है इस बेड की चौड़ाई 2 फीट है और जितना लेंथ आपको चाहिए उतना लेंथ इसमें रख लेते हैं। उसके बाद जो हमने जो खूंटे लिए थे वो बेड के दोनों तरफ हम गाड़ लेते हैं इस तरीके से बस और दूसरा खूंटा हम दूसरी तरफ गाड़ते हैं इस तरीके से दोनों तरफ बेड के दोनों तरफ हम खूंटे गाड़ लेते हैं। उसके बाद हम वायर को इस तरीके से दोनों तरफ गाड़ लेते हैं जो हमने 6 फीट के तार लिए थे वो गाड़ लेते हैं थोड़ी थोड़ी दूर पे लगभग 2 से 2.5 फीट दूरी पे हम इस तरीके से वायर को जो हमने 6-6 फीट के काटे थे उनको गाड़ लेते हैं बेड में देख सकते हैं।
हमने जो बेड की चौड़ाई रखी है वो 2 फीट रखी है, और जो जीवर के ये तार काटे हैं 6 फीट लेंथ के काटे हैं। तो यदि आप बेड की चौड़ाई बढ़ाना चाहते हैं तो आप बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। यदि ज़्यादा ट्रे रखना चाहते हैं उस हिसाब से आप जी वायर की लेंथ भी बढ़ा सकते हैं और इस तरीके से गाड़ सकते हैं। उसके बाद हम एक मजबूत थ्रेड से धागा लेके और ये सबसे पहले खूंटे पे बांधते हैं और सभी जी वायर को एक साथ बांध देते हैं ताकि इधर उधर ना हिले। तरीके से हम 3 जगह बांधते हैं इसको, पहले इधर बांधेंगे और फिर मिडिल में ऊपर और फिर इधर, और सभी को एक साथ ऐसे बांध के और उस और जो लास्ट वाला पल्ली तरफ हमने ऐसा खूंटा गाड़ा है उसमें हम बाइंड कर देंगे, बांध देंगे। इस तरीके से सभी में हम बांधते हैं ताकि ये जो हमने तार जो लगाए हैं ये इधर उधर ना हिलें, सभी एक साथ मजबूती से रहें। इस तरीके से सभी को सभी में थ्रेड घुमाते हुए और लास्ट में उस खूंटे से बांध देते हैं। एक धागा हमने इधर बांध दिया और दूसरा धागा हम इसमें मिडिल में इसके ऊपर टॉप पे बांधेंगे, सभी में इस तरह से बाइंड करते हुए लास्ट में बांध देंगे, और फिर तीसरा इधर। इस तरीके से हम 3 थ्रेड हम इसमें बांध लेते हैं। तरीके सभी को बाइंड करते हुए हम और हम लास्ट वाले खूंटे से उसमें दूसरी तरफ उसको बाइंड कर देंगे। देख सकते हैं ये मजबूत हो गया है, अब इधर उधर हिलेगा नहीं, और इस पर जैसे पोलोथीन डालेंगे तो वायर इधर उधर नहीं गिरेगा। अभी हम एक एक थ्रेड यहाँ पे बांध दिया, एक ऊपर और एक इधर और बांधेंगे, और इससे एक और बेनिफिट होता है, जैसे कि हवा चलती है तो वायर जो पोलोथीन होती है वो हमारे पौधों पे नहीं गिरती है, ये इसको सपोर्ट कर लेता है, वो ऊपर रोक लेता है, तो पोलोथीन पौधों से टच नहीं होती है। यदि वो टच होगी आंधी में, हवा चलेगी या बरसात होगी तो प्रॉब्लम होगा पौधों में, डैमेज होने का पौधों का खतरा रहता है, तो इसलिए हम इस तरीके से बाइंड कर लेते हैं। देखिए हमने 3 रस्सियों को इस तरीके से बाइंड कर लिया है, आपको दिखा देता हूँ। 3 थ्रेड को सभी में जी वाई में लपेटते हुए और लास्ट वाले फिर उस से बाइंड करते हैं मजबूती से। उसके बाद हम ये पोलोथीन को, जो वाइट पोलोथीन हमने लिया था ट्रांसपेरेंट, उसको इस तरीके से कवर कर लेते हैं, ऊपर से कवर करते हैं, और उसका उसी साइज का उसको कट कर लेते हैं कि हमारा जो भी बेड है वो प्रॉपरली वो कवर हो जाए, उसमें एरेशन ना हो दोनों तरफ से, चारों तरफ से एकदम अच्छे से कवर हो जाए, जिससे उसमें हवा वगैरह अंदर ना जाए और एकदम प्रॉपरली कवर हो जाए। इस तरीके से हम कर लेते हैं, इस तरीके से दोनों तरफ बराबर कर लेते हैं, और उसके बाद फावले की सहायता से उस पर मिट्टी, हम एक तरफ मिट्टी चढ़ा देते हैं, जो हमने पोलोथीन थी जो सीट थी वाइट कलर की, उसको एक तरफ से मिट्टी से दबा देते हैं इस तरीके से।
तरीके से एक तरफ से हमने इसको कवर कर दिया, मिट्टी से दबा दिया, और एक तरफ हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। इसमें अब हम एक तरफ इसको हम ईंट वगैरह ब्रिक्स वगैरह रख के इसको हम एक साइड से उससे दबा देते हैं। अब इसके अंदर हम ट्रे वगैरह रख सकते हैं, ट्रे रख के और इसको ऐसे कवर कर सकते हैं। अभी दिखाते हैं, हम इसमें ट्रे रख के भी आपको दिखाएंगे। अब इसमें हम ट्रे रख के बाद में इसको कवर कर देंगे, ईंट वगैरह रख के, ताकि हम इसको एक तरफ ईंट से ही हम इसको दबाते हैं, ताकि हमको जब कभी ओपन करना हो, इरिगेशन करना है, फर्टिलाइज़र देना है, या कभी सनलाइट यदि निकल रहा है, सनलाइट है, धूप है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं दिन में, और नाइट में हम इसको जैसे टेम्परेचर सनलाइट चला जाता है, शाम होती है और सर्दी टेम्परेचर डाउन होता है, तो हम इसको कवर कर देते हैं। इससे हम ट्रे भी रख सकते हैं इसमें, और यदि आप चाहें तो बेड में भी इसी में, यदि कोई बेड में फील्ड में ही नर्सरी तैयार करता है तो ऐसे इस तरीके के बेड बना के और उसमें उसमें सीड सोइंग करके इस बेड में अंदर ही सॉइल में ऐसे ही डायरेक्ट सोइंग करके अपना नर्सरी तैयार कर सकते हैं और इसे कवर करके ढक सकते हैं। तो इससे भी आप उसको पाले वगैरह ठंड सर्दियों से बचा सकते हैं और जल्दी से उसमें इम्प्रूवमेंट भी और जर्मिनेशन भी जल्दी से आता है। तो यदि आप ऐसे ही बेड में भी उगाना चाहते हैं, सॉइल में भी, तो भी आप इस तरीके से बना के और उगा सकते हैं, कर सकते हैं। और इसकी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे कि आपको 3 ट्रे रखना है, यदि आपकी ट्रे की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप इसकी बेड की चौड़ाई ज़्यादा रख सकते हैं, उस हिसाब से आप इसकी लेंथ भी थोड़ी बढ़ा सकते हैं। जो अपने हमने लोहे के ये वायर ये जो कट किए थे, इनकी जो लेंथ है वो भी हम इसको बढ़ा सकते हैं उसी हिसाब से, और उसी हिसाब से हम पन्नी की चौड़ाई भी नाप के और कट करके रख सकते हैं। अब हम इसमें ट्रे सब बेड में सभी में ट्रे इस तरीके से रख देते हैं। ये हमने इसमें वो आप पेपर सोइंग किया है, चिली का ट्रे, और इस तरीके से सभी बेड पे रख के और हम इसको बाद में पोलोथीन से ढक के और कवर करके छोड़ देंगे। एक तरफ ईंट से इसको ब्रिक से या ईंट वगैरह से दबा देंगे पोलोथीन को, और इस तरीके से हम तैयार करके, इससे क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होता है और बहुत जल्दी से जर्मिनेशन आएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी बहुत सर्दी है, तो जर्मिनेशन जल्दी से आएगा और इसका इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी से आएगा और ये जल्दी से तैयार हो जाएगा। यदि हम ऐसा लो टर्नर नहीं बनाते हैं तो ये लगभग 40 डेज लेता है, जबकि गर्मियों में ओनली 25 to 30 डेज में मैच्योर होता है, प्रॉपर होता है लगाने के लिए, फील्ड में लगाने के लिए। लेकिन अभी टेम्परेचर डाउन होने की वजह से इम्प्रूवमेंट स्लो होता है, तो ये लगभग 40 डेज ले जाता है। तो हमको टाइम को कम करने के लिए इसलिए हम ये लो टर्नल बनाते हैं, और इसमें कोई एक्सपेंस भी, कोई ख़र्चा भी कोई ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम खर्चे पर हम तैयार करते हैं। और इसको हम बार बार, यदि हम अभी इसको निकाल के रख देते हैं और ये हमारा कुछ कई साल तक हम इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको 3-4 साल तक ऐसे ही लगातार यूज कर सकते हैं, इसका कोई दिक्कत नहीं होता यदि हम सही से इसको मैनेजमेंट करें। इसी तरीके से आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जितना आपको ज़रूरत है बना सकते हैं, और अपना जो भी आप अगर सॉइल में सोइंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ट्रे रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं। और यदि आपको कोई मटेरियल ये आपको नहीं मिलता है, तो जैसे कि पोलोथीन वगैरह जो हम सीट यूज कर रहे हैं, ये सभी हम जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।